पाकिस्तान का प्यारा, आतंकियों का दुलारा यानी कि तालिबान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है उसे भारत से अच्छे रिश्ते बनाने हैं। इसके लिए उसने बकायदा भारत को चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट गया। अब सवाल यह है कि तालिबान जो चिट्ठी भारत के लिए लिख रहा है उसमें उसने क्या लिखा है और क्या भारत तालिबान के इस खत पर कुछ बोलेगा, इस चिट्ठी पर कुछ बोलेगा या फिर कोई रिप्लाई देगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल तालिबान ने भारत को पत्र लिखकर अच्छे रिश्ते की चाहत व्यक्त की है। तालिबान ने पत्र लिखकर भारत से कहा है वो अफगानिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट शुरू करें। इस पत्र के जरिए तालिबान ने भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक चाल चली। भारत और अफगानिस्तान की फ्लाइट सेवा फिर से बहाल होती है तो इससे तालिबानी सरकार को समर्थन मिलेगा। तालिबान ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे मान्यता मिले। अगर भारत फ्लाइट नहीं शुरू करता है तो इससे दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार पर भी असर पड़ेगा। दरअसल साल 2019-20 में भारत और अफगानिस्तान के बीच करीब 11,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। भारत अफगानिस्तान से बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और हर्बल दवाएँ मंगवाता है। बता दे, दूसरी तरफ भारत से अफगानिस्तान को चाय, कॉफी, काली मिर्च, कॉटन और खिलौने निर्यात किए जाते हैं। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगानिस्तान की उड़ान बंद कर दी थी। हालांकि कोरोना की वजह से DGCA ने 31 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगा रखा है, लेकिन तालिबान ने अपनी चिट्ठी के जरिए गेंद भारत के पाले में डाल दी है। ये वही तालिबान है जिसने हाल ही में कश्मीर का राग अलापा था। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कश्मीर मसले पर पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि पूरी दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे फिलिस्तीन हो, कश्मीर हो या म्यांमार हो। तो भारत सरकार भी पहले इस मुद्दे पर चिंता जता चुकी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही तालिबान की ओर इशारा करते हुए दो टूक शब्दों में कहा था, अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब तालिबान ने फिर से वादा किया है कि वो अपनी धरती का गलत इस्तेमाल नहीं होने देगा। खैर, ये दुनिया के सभी देशों को पता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और शायद ये बात तालिबान को अच्छे से पता है। लेकिन अब जब खुद तालिबान ने भारत को खत लिखा है उससे ये बात साफ है कि तालिबान भारत से अच्छे संबंध चाहता है।